तमीज भाई वो हारम बजा ना जट यमला पगला दीवाना जरा भाई हारम बजा रहे और ये जो स्कूटर वाला है ये कर रहा है डांस, देखो 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 डांस कर रहा है। ये जो टायर है ना ये वाला पिछला वाला इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बस इसको तो खुला दिया। इस गाड़ी का सुबह पंचर हुआ था आपने देख लिया, बस वो बना के निकल गए फिर से। फाइनली गाइस हम तो अभी पहुंच गए हैं डायमंड फ्लाइट के पास। तो कर लिया अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट चाय और पापड़ी के साथ। हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। करते हैं आप सभी को वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल में राजवासी व्लॉग में और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज गए सुबह के 7 और हम तो उठ गए, चाय भी पी ली, फ्रेश भी हो गए और गाड़ी को स्टार्ट भी कर लिया। गाड़ी भी फ्रेश हो गई मतलब चलने के लिए रेडी हो गई, दोनों गाड़ियां एक तो ये रही और दूसरी इस साइड में। बस एक प्रॉब्लम रही थी ये जो गाड़ी है ना समीर भाई की, इसमें एक टायर में थोड़ा सा पंचर था, छोटा सा पंचर, और वही बनवाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। ये जो जगह है जहाँ पर हम रात को रुके थे यहीं पर नाइट स्टे की थी, रात के 11 बजे हम यहाँ पे रुके और सो गए थे इधर ही, क्योंकि आगे हमें ना लोड नहीं करना था इसलिए हम यहीं पे रुके हैं। अब कल करना है लोड, अब चलेंगे हम आज दिन को आराम आराम से ही, ज़्यादा कुछ जल्दी भी नहीं है, बस टारगेट रहेगा कि सावदा तक पहुँचना है और वहीं पे थोड़ा सा रेस्ट भी करके रखेंगे। फिर कहीं पे भी आगे तक हमें मतलब सावदा से श्रीनगर के लिए हमें रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मंडी का माल होता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो करना पड़ेगा। अब करते हैं पहले काम यहाँ पे, इस गाड़ी का टायर बनवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये जो होटल है ना ये मेवात का होटल है और ये जो एरिया पड़ता है ये जो अजंता घाटी है ना उसके बाद और पावर से पहले पड़ता है, मतलब सौदा के लिए हमें अभी जाना है। ये जो टायर है ना ये वाला पिछला वाला इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बस इसको तो खुला दिया। फाइनली गाइस कर लिया अपना सफर फिर से कंटिन्यू, अभी मैं आ गया टाटा गाड़ी में जो कि रमेश भाई की है, यहीं पे अभी चला रहे हैं रमेश भाई गाड़ी, और जो दूसरे भाई है ना दो भाई वो अपनी गाड़ी में गए हैं और हम चल रहे हैं इसी गाड़ी में कंटिन्यू। हमने तो यहाँ पे दूसरा रोड पकड़ लिया जो जानर रोड है ना, यहाँ से सीधा जाता है सावदा के लिए, तो वहीं से हम आ गए। और जो जलगांव का रोड है वो उस साइड से सीधा निकलता था, हम राइट को आ गए और यहाँ से सीधा थोड़ा सा कम पड़ता था रास्ता। तो चलो कोई बात नहीं, काम ज़्यादा तो होता ही रहता है, बस यहाँ से सफ़र तो कंटिन्यू है अपना इसी सिमट वाले रोड पे। मतलब यहाँ पे ना जो भी रोड है वो सिमट का बना हुआ है, क्योंकि गर्मी में ना यहाँ पे जो मैग्नम रोड है वो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से इन्होंने सिमट रोड्स बना के रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अलबत्त गाड़ियों को बहुत दिक्कत होती है चलाने में, आपने देख ही लिया मतलब खाली गाड़ी इस पर ज़्यादा खड़कती है और यहाँ पर ना इस पर जंप भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो हम ड्राइवर लोग ही वो जात है जो हर किसी जुल्म को सहते हैं, हर किसी जुल्म को, मतलब ये भी हमें सहना पड़ रहा है जब अब सब कुछ यार क्या बोले हम, मतलब कितना बोल सकते हैं कितना काम पड़ेगा। तो चलो रखते हैं अपना सफर कंटिन्यू, मिलते हैं आपसे आगे आगे। यहाँ पर रमेश भाई कुछ बोलना चाहता है? बस यार क्या बोले, पंचर हुआ था तो इस गाड़ी का सुबह पंचर हुआ था आपने देख लिया, बस वो बना के निकल गए फिर से वहाँ से, आधा घंटा लग गया था वहाँ पे हमें। पंचर वंचर तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अलबत्ता थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब चलने में आएगी ना दिक्कत, तो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है जब पंचर होता है, वरना ही कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, मतलब चलते हैं रोड पे तो पंचर तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। चलो रखते हैं अपना सफर कंटिन्यू सी सिमट वाले रोड पे, और अपना जो दूसरा भाई है वो भी पीछे पीछे आ रहे है। भाई हारम बजा रहे और ये जो स्कूटर वाला है ये कर रहा है डांस, देखो 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 डांस कर रहा है यार, हैंडल ना छोड़ लिए ऐसी। चलो हो गया, बाय बाय। भाई ने डांस किया चलते चलते ही, हैंडल को ऐसे ही छोड़ दिया खुला और कर लिया डांस, फिर से भाई कर रहा है डांस, दोनों भाई आ गए डांस करने के लिए। ओ यार देखो फिर से चलते चलते ये डांस कर रहा है, और जो पीछे इसके बैठा है ना पीछे वाला बंदा वो डर रहा है कि कहीं गिर ना जाए
ऊपर है मत करो, ऊपर है करो करो हॉर्न। रमेश भाई वो हॉर्न बजाना, जट हमला पगला दीवाना जरा। फाइनली गए सौदा वापस तो पहुंच ही गए। ये आ गई ये नदी, यहाँ से बह रही है रिवर, और व्यू भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा यहाँ का। देखो जी व्यू कितना मस्त आ रहा है, कितना मस्त आ रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बोल देना। और इस साइड से आ रही है और इस साइड से जा रही है, पानी देखो कितना है। अभी जब जून जुलाई का महीना होता है ना, उन दिनों ये सूखी पड़ी रहती है, आज तो पूरा बाढ़ है, पूरा बाढ़। और वो देखो आदमी पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे। मुझे लग रहा है आप एक मिनट के लिए रोको, मैं इधर से छलांग मारता हूँ और नहा के आता हूँ। गंदा पानी है, ये कहाँ से आ गया? गंदा पानी है, हमें कुछ नहीं हो जाएगा। परसों जितना ही गंदा था ना, उससे बेहतर आज है। और अभी नहा भी रहे हैं वहां पे बंदे। चलो यहाँ पे हम पहुँच गए, और जो अपना समीर भाई है अपनी गाड़ी के साथ वो चला गया आगे। बस यहाँ से अब कुछ किलोमीटर रह गए और पहुँच जाएंगे हम सीधा डायमंड फ्राइट कैरियर के पास, और वहीं से आपको मिलेंगे। फाइनली गाइस हम तो अभी पहुँच ही गए सौदा, तो यहाँ आते आते अभी बस ये पौने 11, तो यहाँ पर ही आ गए होटल पे जो कि मेन मार्केट में पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? अच्छा मैं तो भाई से पहली बार मिल गया, और ये जो समीर भाई है ना, समीर भाई और रमेश भाई का दोस्त है ना भाई। हाँ तो चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ तो यहाँ पे कर लिया ब्रेकफास्ट समझो या लंच समझो। फाइनली गाइस हम तो अभी पहुंच गए हैं डायमंड फ्लाइट के पास, तो यहाँ पर देखो कितनी सारी गाड़ी लगी हुई है। जो पार्किंग एरिया ना पीछे, वहाँ पे जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, इसलिए हमने वहाँ पे नीचे रख दी गाड़ी और आ गए यहाँ पे सब्जी लेने। लेकिन सब्जी ले ली अभी टमाटर और थोड़े से प्याज गाड़ी में ही अब बचे हैं, तो वही डालेंगे और करेंगे लंच का इंतजाम। वो आपको दिख रहा होगा डायमंड लिखा हुआ। तो चलो पहले करते हैं काम, यही छोड़ते हैं गाड़ी के पास, तब तक शाकिर भाई इसको बना के रखेगा और हम जाएंगे फिर नहाने के लिए। इधर अंदर ही बाथरूम वाथरूम सब कुछ अवेलेबल है। फाइनली गाइस अभी बज गए शाम के 5, और हम अभी नहा के आए, मतलब अभी फ्रेश लग रहे हैं। दिन में हमने 1 बजे तो खाना खाया, 1 बजे हमने मतलब अपनी गाड़ी में ही तैयार किया, एक में सब्जी और दूसरे में चावल, बस खाया खाना और फिर रेस्ट किया अभी तक, मतलब 4 बजे तक। अब गए थे नहाने के लिए, बस यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है बाथरूम जो कि आपको पता ही है। यहाँ पे अभी नहा लिया और आ गए वापस। अब पियेंगे यहाँ पे ढाबे पे चाय, यहाँ पर 2 ढाबे है, मतलब इस साइड में एक इस साइड में एक, यहाँ पे भी चाय पियो वहाँ पे भी आपकी मर्जी। अभी ये जो गाड़ी है पीछे आप देख रहे हो ना, ये लोड हो चुकी है सीधा कश्मीर के लिए, मतलब ये अपना भाई है अपने इलाके का रहने वाला है। तो गाड़ी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू गाड़ी का और लोडिंग गाड़ी का भी, ये आप देख रहे हो मतलब फुल रेडी टू गो है डायमंड ऑफिस के बाहर। अभी ये भाई भी गया है नहाने के लिए, ग्रीस कर रहा है, बस यहाँ से रेडी रखेगा गाड़ी को जाने के लिए और निकलेगा यहाँ से सीधा कंटिन्यू करेगा अपना सफ़र। तो चलो हमारी गाड़ी उस साइड में है, और ये जो गाड़ी अभी लोडिंग है ना अभी, इसको सेब भरे हुए, इसको पता नहीं कहाँ जाना है, ये सुबह से इधर ही खड़े थे, दूसरी ये वाली तीसरी वाली ये, मतलब ये सारे ना यहीं पे खड़े थे सुबह से। तो चलो इधर पी रहे हैं हम चाय अभी। चाय पी के आ गए वापस अपनी गाड़ी के पास। ये रही अपने रमेश भाई की गाड़ी, ये अपनी वाली, और वो दूसरे भाई की गाड़ी जो गया था मलकापुर अनलोडिंग करने के लिए, जो हमारे साथ ही था आते वक्त। और तीनों गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई, और भी बहुत सारे भाई अपने पार्किंग एरिया में हैं गाड़ी लेके। तो अभी जाएंगे हम यहाँ बाजार में। तो हम अभी बैठे थे, इसी के साथ बज गए शाम के 8, और भाई आया था फिर से मिलने के लिए, और यहाँ पे हम घूम के आ गए, मतलब ये जो बाजार है ना यहाँ पे, इस बाजार का नाम क्या मुझे याद नहीं रहता है, अच्छा। तो यहाँ पर हम घूम के आ गए, वो डिनर भी साथ में ही किया उधर होटल पे। तो सारे भाई अभी यहीं पे खड़े हैं, ये रही भाई की गोल्ड गाड़ी, गोल्ड गाड़ी है स्पेशल है ना भाई जी। हाँ
चलो मिलेंगे आप नेक्स्ट टाइम, मतलब आपको इनवाइट कर रहे हैं कश्मीर आने के लिए। पक्का आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो ठीक है। और ये दूसरा भाई है, ओके।